हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बैंगन की बहुत बेहतरीन रेसिपी बनाने जा रही हूँ। जो बैंगन नहीं खाते वो भी एक बार बस चखने की देरी है। हमें इसके लिए चाहिए 2 चम्मच बेसन, हरी 2 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था मिक्सी में, नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। इन सारे को अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला के फिर बैंगन में इसको आगे पीछे अच्छी तरह से लपेट लेंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा तवा गरम और इसमें सरसों का तेल जाएगा, 2 चम्मच सरसों का तेल। और बैंगन के स्लाइसेस में आप ऊपर नीचे अच्छी तरह से मसाले का लेयर बना लें। बस एक एक कर करके ऐसे तवे पे रखते जाएं। जितना कम टाइम लगता है उतने ही कम मसाले और एक बेहतरीन डिश है ये। आप कभी अपने घर पे बना के देखिए, कभी मन ना करे, जो बैंगन नहीं खाते वो भी बोलेंगे कि वाह बैंगन, मैं तो दोबारा कब बनेगा बैंगन, ऐसे बोलेंगे। बहुत बेहतरीन डिश है बैंगन का। और इसको हम एक बार पलट लेंगे, बस 2 ही बार पलटते हैं। और जब आपको चेकिंग करने के लिए आप एक बार चक्कू डालोगे आप उसके अंदर तो पके रहेगा, तो चक्कू में आपका कुछ नहीं लगेगा। इस धीमी आंच करके इसको ढक दिया था हमने, एक बार पलट दिया। अब बस अब तैयार हो गया आपका बैंगन का भाजा। बहुत टेस्टी डिश है, बहुत अच्छा लगता है। अब बना के देखिए, खाइए पीजिए। ओके, बाय बाय।